हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक रॉयल लग्जरी एशियन के रॉयल लग्जरी न्यू गोल्ड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एशियन का रॉयल लग्जरी इमल्शन, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। ये न्यू गोल्ड है जो आप एक मेटालिक इमल्शन कहते हैं, जो आप कभी भी कहीं पे वॉल्स पे टेक्सचर निकालते हैं या को जो सेलिंग वगैरह में पीओपी वगैरह का हम डिजाइन देते हैं या फॉल सेलिंग वगैरह का डिजाइन देते हैं, तो हम वहाँ पे इसको जनरली यूज करते हैं। या हम जब भी कोई भी वॉल्स पे डेकोरेटिव काम करते हैं या फिर जो इमल्शंस वगैरह पे हम कोई भी डिजाइंस वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मेटालिक इमल्शंस का यूज करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी जो शाइनिंग है या फिर जो इसकी वॉल्स के साथ पकड़ है वो कैसी है या जो इसकी फिनिशिंग है वो कैसी आती है। आज हम इन सारे चीज़ों पर बात करने वाले हैं, एक सरफेस पर दो कोट लगाने भी वाले हैं कि इसकी जो फिनिशिंग है वो कैसा आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द पेंट गुरु पे। जो भी हमने पिछली वीडियो डाला था उस पर आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसकी अप्लाइंग एरिया की, तो जो भी आप एशियन की रॉयल लग्जरी या किसी भी कंपनी की रॉयल लग्जरी पेंट की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर के लिए ही सूटेबल होता है, आप उसको एक्सटीरियर में नहीं लगा सकते। बट अगर हम रॉयल की न्यू गोल्ड की बात करें तो आप इसको इंटीरियर या एक्सटीरियर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। जनरली एक्सटीरियर में कोई भी जो भी पिलर टाइप का डिजाइन होता है हम उस पर गोल्ड पेंट का यूज करते हैं, तो आप इसको इंटीरियर या एक्सटीरियर दोनों ही जगह लगा सकते हैं, ये दोनों ही वॉल्स के लिए सूटेबल है। फिर हम बात करते हैं कवरेज एरिया की, इसकी कवरेज एरिया कितना है। तो अगर हम इसकी कवरेज एरिया की बात करें तो जैसे नॉर्मल आप लग्जरी इमल्शन जो रॉयल की एशियन की रॉयल की हो तो बिल्कुल इसकी भी वही है। अगर आप एक लीटर पेंट एक कोट लगाते हैं तो 230 से 250 स्क्वायर फीट का एरिया आपको कवर करेगा। वहीं अगर आप एक लीटर पेंट दो कोट लगाते हैं तो आपको 140 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। फिर हम बात करते हैं सरफेस फिनिशिंग की, इससे सरफेस फिनिशिंग कैसा आएगा। तो अगर हम इसकी सरफेस फिनिश की बात करें तो ये सीन एंड स्मूथ देखने को मिलेगा। जो भी इसकी जहाँ पे भी आप वॉल्स पे लगा रहे हैं तो अगर आप लाइट वगैरह यूज करते हैं उस रूम में या फिर जब भी आप डेकोरेट करते हो ऑब्वियस सी बात है लाइट यूज करेंगे तो इसकी जो शाइनिंग लेवल वो काफ़ी बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर इमल्शन लग्जरी इमल्शन पेंट। फिर हम बात करते हैं वॉशेबिलिटी की, इसकी वॉशेबिलिटी कैसा है। तो इसकी वॉशेबिलिटी हाई है, आप जितना चाहें जैसे चाहें आप इसको वॉश कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल स्टेन प्रूफ है। कोई भी दाग धब्बा दीवारों पर लगा वो इजीली इससे रिमूव हो जाता है या फिर जो पहले प्रीवियस पे कोई भी वॉल्स पे लगा हुआ है वो इजीली ढक जाता है। फिर हम बात करते हैं वाटर डाइल्यूशन रेशियो की, तो ये एक वाटर बेस्ड इनेवर इमल्शन है। तो अगर हम इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो की बात करें तो आप इसमें 20-30% तक वाटर मिक्स कर सकते हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कहीं पे भी। अगर आप न्यू गोल्ड रॉयल का लग्जरी न्यू गोल्ड अप्लाई करें तो उसमें थोड़ा बहुत वाटर आप मिक्स करें उसके बाद ही अप्लाई करें। फिर हम बात करते हैं अवेलेबल कलर की, कि आपको कौन कौन से अवेलेबल कलर में आपको मिलता है। तो न्यू गोल्ड जनरली अगर लग्जरी का आप लेते हैं तो आपको न्यू गोल्ड पियर सिल्वर और कॉपर ये तीन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेल्फ लाइफ की, तो अगर हम इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो 3 ईयर्स है, डेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग है। कभी भी अगर आप ये लेने जाते हैं तो आप इसका डेट वगैरह देख सकते हैं कि कस्टमर ने शॉपकीपर ने आपको कहीं एक्सपायर तो नहीं दिया, जिसके कारण हो सकती है कि पेंट में जो बॉन्डिंग है या जो उसकी प्रॉब्लम है या फिर जो उसकी शाइनिंग है वो फिनिशिंग आपको ना मिले या फिर पेंट में स्मेल आने लगे। तो अगर हम इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो 3 ईयर्स है, डेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग है, तब तक ये पेंट आपको खराब नहीं होगा या टाइट पैक रखने पे। फिर हम बात करते हैं इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम की, कि अगर किसी भी वॉल्स पे जैसे आप पीओपी पे लगा रहे हो या कहीं टेक्सचर निकाल रहे हो तो ये कितने टाइम में सूख जाएगा। तो अगर हम इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट है, 30 मिनट के बाद ये आपको हाथों में नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पैरेलल कहीं लगा रहे होते हैं तो अगर एक साइड लगा दिए 30 मिनट आप अगर वेट करके दूसरे साइड लगा रहे हो तो आपको पीछे से हाथों में या कपड़ों में नहीं लगेगा। फिर हम बात करते हैं रिकोटिंग टाइम की, तो अगर हम रिकोटिंग टाइम की बात करें तो इससे 4 to 6 hours है। कहीं पे भी अगर आप एक कोट न्यू गोल्ड लगा दिए तो दूसरा कोट लगाने के लिए कम से कम आपसे 4 से 6 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा कोट लगाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पैकिंग साइज की, इसमें कौन कौन सा पैकिंग साइज आपको मिलता है। तो इसमें आपको 500, 1 लीटर, 4 लीटर, जनरली हमने यही पैकिंग साइज यूज करते हैं। जनरली हम 4 लीटर का भी नहीं, 500 ग्राम और 1 लीटर, यही दो पैकिंग साइज हम जनरली मंगाते हैं, यूज करते हैं और कस्टमर को देते हैं। हम ना तो अभी इससे बड़ा कोई पैकिंग साइज की जरूरत पड़ी है ना ही ऐसा हमने कभी रिक्वायरमेंट देखा। तो जनरली आपको भी अगर आप लेते हैं जो भी डिजाइनिंग वाली पेंट है तो जनरली आपको छोटे पैक में ही मिलते हैं।
फिर हम बात करते हैं प्राइस रेंज की, क्या अगर आप लेने जाते हैं एक लीटर रॉयल लग्जरी का न्यू गोल्ड तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 1205 है, बट ये आपको इजीली मार्केट में 1000 या 1100 के अप्रॉक्स पर लीटर आपको मिल जाएगा। इजीली कहीं भी आप लेने जाते हो या इंटीरियर एक्सटीरियर, तो लगभग आपको 1000 के अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा और आपको ये पर लीटर मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेंट लाइफ की, कि अगर कहीं पे भी आप ये लग्जरी को इस्तेमाल करते हो तो कितने टाइम तक चलेगा या इसकी जो शाइनिंग है वो इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आपको इजीली 6 to 7 ईयर्स तक आसानी से चला जाएगा। आप चाहे तो वॉश करो या कुछ भी करो, वो तब तक आपकी जो इसकी शाइनिंग है या इसमें कोई भी आपको वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा या दाग धब्बों से खराब नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक सरफेस पे इसको हम लगाते हैं और हम इसको एक प्रॉपर ड्राइंग टाइम देते हैं, देखते हैं कि इसकी जो हार्डनेस है या जो इसकी चमक है वो कैसा आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब भी हम किसी पेंट का डेमो करते हैं या फिर हम इमल्शंस का किए हो या फिर आयल पेंट का किए हो या फिर हमने कुछ इंडिगो का मेटालिक पेंट वगैरह का भी हमने किया था, तो हम क्या करते हैं कि पहले खुद ही एक सरफेस पर दो कोट लगाते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि जो पेंट की शाइनिंग है या पेंट की जो हार्डनेस है वो कैसा आ रहा है। तो हमने रॉयल लग्जरी न्यू गोल्ड को भी एक सरफेस पर दो कोट लगाया था जैसे कि आपने देखा। तो अगर हम उसकी फिनिशिंग की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये काफ़ी बेटर है। अगर आप इसकी शाइनिंग में देखो तो अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो काफ़ी बेटर शाइनिंग आपको दिख रहा होगा। कहीं से भी मेरे को इसकी शाइनिंग वगैरह में या जो वॉल्स के साथ जो इसकी चमक है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। एक जैसे आप कभी मेटालिक इमल्शन देखते हैं जिसमें एक छोटा छोटा सा वो कन टाइप का दिखता है, या हमने जो सिल्वर कलर डेमो किया था उसमें आपको एक छोटा छोटा मेटल पीस जैसा आपको महसूस होगा, बट इसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस होगा, ये लग्जरी जैसा आपको फील देगा। अगर हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ है, कहीं पे भी वॉल्स पे लगा रहे हो जिस भी वॉल्स पर टेक्सचर वगैरह के लिए तो आपको वैसे बिल्कुल भी रुखड़ापन महसूस नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ। अगर इसकी हार्डनेस की बात करो तो आप इसको कितना भी मूव करो, कुछ भी करो, इसमें आपको कोई भी नाखून वगैरह कुछ भी करो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो अगर पेंट की हार्डनेस की बात करो तो ये काफ़ी सही है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। या फिर अगर पेंट की कवरेज एरिया की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपको एक लीटर पेंट दो कोट लगाने पर अगर 140-150 के अप्रॉक्स पर लीटर कवरेज एरिया दे देता हो तो वो दी बेस्ट है। अगर हम इसकी वॉशेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं तो वो बेस्ट इन क्लास है, आप जितना चाहे उतना वॉश कर सकते हैं, इस पर कोई भी दाग धब्बा वगैरह नहीं लगेगा या पहले से भी कोई वॉल्स पर कोई दाग धब्बा तो वो ईजिली इससे ढक जाएगा। तो अगर कहीं पे भी आपको किसी भी वॉल्स पे जहां आप चाहते हैं कि कोई भी टेक्सचर निकालना या फिर पीओपी वगैरह सेलिंग में कोई भी लगाना जहां पे आप उसको कलर करना चाहते हैं तो आप इंडिगो का लग्जरी इमल्शन गोल्ड को इंडिगो का जो रॉयल लग्जरी है उसका न्यू गोल्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इससे कॉस्टली नहीं है या इससे बेटर नहीं है, बट ये जो वैल्यू फॉर एशियन जो भी प्रोडक्ट देता है उसका मैक्सिमम आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वाला प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको मिनिमम पे करना पड़ता है जिसकी क्वालिटी आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। एक और भी इसमें बात होता है कि जब भी आप कोई भी मेटालिक पेंट लगाएं या नियो गोल्ड लगाएं या फिर इंडिगो का लगाएं कोई भी लगाएं तो कोशिश करें कि जब भी आप इसका जो बेस है जो हमने वाइट पे जो किया तो अगर आपको गोल्ड लगाना है तो आप कोशिश करें कि उसका बेस को थोड़ा सा एलॉय कर दें, जिससे जो लग्जरी जो मेटालिक पेंट होता है उसकी जो फिनिशिंग है और बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए कि आपको कॉपर लगाना है तो जो बेस पेंट है हल्की कॉपर टाइप की कर दें, और जब आप पुट्टी वगैरह लगा रहे हो उसी में कोई कलरेंट मिक्स कर दें, आप प्राइमर लगा रहे हो तो उसी में कोई स्टेनर वगैरह मिक्स करके हल्की कॉपर टाइप की कर दें, उसके बाद आपको कॉपर पेंट लगाए। या फिर गोल्ड लगाना है तो पहले हल्की उसको येलो कलर का बेस बना दें, उसके बाद ही आप उसे पेंट करें, उससे क्या होता है जो पेंट की फिनिशिंग है वो और निखर जाती है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।